नमस्कार दोस्तों मार्केट परीक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करें जोमेटो लिमिटेड शेयर के ऊपर जहाँ पे एक सौ रुपये शेयर का प्राइस चल रहा है और लॉन्ग टर्म में बाय कहाँ बाय करना चाहिए साथ ही शॉर्ट टर्म में कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए तो वीडियो के अंदर सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वॉल्यूम देखें दोस्तों इस शेयर के अंदर तो यहाँ पे नॉर्मली देखने को मिल रहा है साथ ही बुलिस मार्केट के साथ देखा गया शेयर वन और एक सौ अभी चल रहा है साथ ही दोस्तों अगर डे के हिसाब से परफॉर्मेंस देखिए तो यहाँ पे थोड़ी नेचुरलिटी देखने को मिल रही है और शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म की टारगेट्स देखिए अभी तो यहाँ पे जो है फाइनेंशियल डेट और टेक्निकली तौर पे सारा कुछ क्वालिटी करके यहाँ पे नेगेटिव ही जा रहा है साथ ही फंडामेंटली देखें यहाँ पे शेयर का तो यहाँ पे क्वालिटी वैल्यूशन और फाइनेंशियल डेट सारा कुछ जो है नेगेटिव में जा रहा है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में तो हमारी पोजिशन जो है गलत हो सकती है लेकिन शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं जहाँ पे अगर हम बात करें वन ईयर की रिटर्न अभी क्लियर नहीं हुई शेयर के यहाँ पे और बात करें यहाँ पे आईटी सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहे इंडस्ट्री और यहाँ पे मार्केट कैप देखें एक लाख चार हज़ार करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है पी देखे तो माइनस तीन सौ दस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे शेयर होल्डर पैटर्न भी देखने को मिल रहा है प्रोमोटर्स होल्डिंग जीरो देखने को मिल रही है सबसे ज़्यादा स्टॉक जो देखने को मिल रहा है वो एट्टी फाइव परसेंट यहाँ पे पब्लिक के अंदर है चार्ट पैटर्न के ऊपर आगे आ चुके हैं दोस्तों कौन से बाय करना चाहिए तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम देखें तो कंसोल करते हुए शेयर का प्राइस जो है एक से लेकर सॉरी एक से लेकर एक तक का यहाँ पे देखने को मिलता है लगभग यहाँ पे जो एक के आसपास देखने को तो मिल तो रहा तो है तो कंसोल्ट करते हैं और कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए तो ये दोस्तों देखने को मिल रहा है एक सौ अट्ठाईस एक सौ सत्ताईस के आसपास अभी भी आप बाय कर सकते हैं बिल्कुल आपको गिरते हुए मार्केट के साथ देखने को मिल जाएगा और कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो इस शेयर का प्राइस लगभग डेढ़ सौ के आसपास टच करता देखने को मिल सकता है जो कि अगर नीचे के लेवल्स देखें तो लगभग आप इसको लॉन्ग टर्म में जब बाय करना चाहिए तो लगभग एक सौ बीस के आसपास बाय करना चाहिए अभी आपके लिए लेवल्स रह सकते हैं ये क्योंकि अभी फुली फुली फंडामेंटल चेंज नहीं हुए कंपनी के जैसे जैसे कंपनी के फंडामेंटल चेंज होते रहते हैं वैसे करके कंपनी आगे बढ़ सकती है लेकिन यहाँ पे अभी शेयर की जो जो लॉन्ग टर्म की प्राइस है वो आपका शेयर एक सौ बीस के आसपास आप बाई कीजिएगा और अभी एक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो लगभग एक सौ तीस के आसपास एक सौ अट्ठाईस के आसपास बाई कीजिए ताकि आपको एक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो सके लेकिन थोड़ा पेशेंस की बहुत ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट गिरेगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा साथ ही एक अच्छा प्रॉफिट भी आप वहाँ से बुक करेंगे जहाँ पर आपको शेयर को बाई करना पड़ेगा नीचे से तो लाइक और शेयर करें वीडियो को सब्सक्राइब करें और ऐसा कोई वी, आ, शेयर आपको पसंद या फिर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा आपके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे